नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सासाराम, गया, भागलपुर से शुरू की अपनी जनसभा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी प्रचार की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत उन्होंने बिहार के जनसभा की शुरुआत सासाराम, गया और भागलपुर से की है, जहां उन्होंने पहले तो लोगों को भोजपुरी में अभिनंदन किया। साथ ही उन्होंने कोरोना के जारी माहौल में बिहार के पहल और राज्य सरकार की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि भी दी। साथ ही विपक्ष को निशाने पर लेते हुए भ्रम फैलाने वालों को सचेत रहने की नसीहत दी है। वहीं प्रधानमंत्री की रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। इसके साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में ज्यादा से ज्यादा भोजपुरी में संवाद करने की कोशिश की। बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ क्षेत्रों पर सिर्फ 4 बजे तक होगी वोटिंग। आगामी विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। वहीं चुनाव के पहले चरण में अब बस कुछ ही दिनों का समय बचा है। इसी बीच चुनाव आयोग ने अपना निर्देश जारी करते हुए कुछ विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव करवाने के समय को तय कर दिया है, जिसके तहत चुनाव आयोग ने जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान करवाने का आदेश जारी किया है, जिसमें कैमूर विधानसभा क्षेत्र, चेनारी, सासाराम और कराकाट विधानसभा क्षेत्र के कुछ मतदान केंद्र शामिल है, क्योंकि ये ऐसे इलाके हैं जो अति संवेदनशील में गिने जाते हैं। आधार सुधार नहीं करवाना शिक्षकों को पड़ सकता है महंगा। कर्मचारी भविष्य निधि खाता खुलवाने के लिए शिक्षकों को अपना आधार सुधार नहीं करवाना अब महंगा पड़ सकता है। मिली जानकारी के अनुसार जिन शिक्षकों ने आधार सुधार नहीं करवाया है उनका वेतन कट जाएगा। गुरुवार को डायरेक्टर सेकेंडरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कई दिशा निर्देश भी साझा कर दिए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार ने इस बात की जानकारी साझा की है और बताया है कि भविष्य निधि में शिक्षकों के खाते खोले जा रहे हैं। लगभग 99% शिक्षकों का खाता खोला जा चुका है और पैसे भी डाल दिए गए हैं, लेकिन प्राथमिक के 65 और माध्यमिक 4 शिक्षकों का यूएन नंबर जनरेट नहीं हो पाया है, उनका खाता नहीं खुल पाया है। इसके कारण आधार कार्ड में गड़बड़ी है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखा गया है, स्मारक पत्र भी दिया गया है। इसके साथ ही जल्द से जल्द ऐसे शिक्षकों का शुद्ध आधार कार्ड लिया जाएगा। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे यश सिन्हा और रतन कुमार सिन्हा की। बिहार के जन्म यश सिन्हा का जन्म आज ही के दिन साल 1977 को हुआ था। यश सिन्हा एक भारतीय टेलीविजन अभिनेता हैं, जिन्हें भाग्य विधाता में विमलेश की भूमिका के लिए जाना जाता है। वो प्ले टाइम क्रिएशन के किशोर बहुरानिया में भी दिखाई दिए थे, क्योंकि रोहित घीवालाल की जोड़ी अम्रपाली गुप्ता के साथ थी हर घर कुछ कहती है में भी उनकी भूमिका देखने को मिली थी। वहीं रतन कुमार सिन्हा की बात करें तो उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। सिन्हा एक भारतीय परमाणु वैज्ञानिक और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने अप्रैल 2012 से अक्टूबर 2015 तक भारत सरकार के सचिव परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु ऊर्जा आयोग भारत सरकार के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। उससे पहले रतन कुमार सिन्हा ने मई 2010 और जून 2012 तक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के निदेशक के रूप में कार्य किया था। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की रिपोर्ट में ही बिहार को फिसड्डी बनाने के लगाए आरोप। कांग्रेस ने एक बार फिर से बिहार सरकार को निशाने पर लिया है। चुनावी माहौल में कांग्रेस नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजवाला ने कहा है कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट में बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पोल खुल गई है। उन्होंने आगे कहा है कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट को अगर हम सच मानकर चले तो भाजपा जदयू की सरकार ने बिहार को बदहाली के दंश में धकेल दिया है। जिस एलपीजी कनेक्शन का केंद्र सरकार ढिढोरा पीटते आई है, उसकी भी पोल जल्द ही खुलने वाली है। बिहार के अभी भी लगभग 56.6% लोग घरेलू गैस पर खाना नहीं बनाते हैं। पीएम आवास योजना के 78.58% लाभुकों को घर नहीं मिला है। वहीं इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की तरफ से लगाए गए आरोप का वीडियो भी जारी किया था। संतोष कुशवाहा बने रालोसपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संतोष कुशवाहा को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसके तहत भूदेव चौधरी के राजद में शामिल होने के बाद संतोष कुशवाहा को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के निर्देशानुसार पार्टी के प्रदेश महासचिव बृजेंद्र कुमार पप्पू ने पार्टी के अभिमान समिति के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र नाथ की मौजूदगी में संतोष कुशवाहा को पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पद पर मनोनयन पत्र सौंप दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, चुनावी तैयारियों के बीच रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ने राजद का दामन थाम लिया था। चुनाव में फिर दिखा तेज प्रताप यादव का नया अवतार। बिहार विधानसभा चुनाव में हसनपुर से मैदान में उतरे तेज प्रताप यादव का नया रूप अब सामने आ गया है। तेज प्रताप यादव अक्सर अपने नए अंदाज के लिए ही सुर्खियों में नजर आते हैं, वहीं अब तेज प्रताप यादव का अनोखा अंदाज भी चर्चा का पात्र बन गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, चुनाव में लोगों का वोट मांगने के लिए अब तेज प्रताप यादव ने साइकिल की सवारी शुरू कर दी है, जिसके तहत तेज प्रताप यादव जनता के बीच साइकिल से जाते नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव ने खुद ही साझा की थी और बिहार सरकार को निशाने पर लेते हुए लिखा है कि तेरे 20 हेलीकॉप्टर तुम्ही को मुबारक हो।
भागलपुर आनंद विहार स्पेशल ट्रेन में सभी टिकट कंफर्म, वहीं अमरनाथ एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन हुई रद्द। भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली पूजा स्पेशल ट्रेन में आरक्षण की शुरुआत करवाई गई थी। हालांकि टिकट रिजर्वेशन की शुरुआत होते ही सभी सीटें भी फुल हो गई। हालांकि रिजर्वेशन काउंटर पर कोई खास भीड़ देखने को नहीं मिली। सीट फुल होने के कारण काउंटर और ऑनलाइन बुकिंग देखकर यह ट्रेन 23 से आनंद विहार से और कल से भागलपुर से चलाई जाएगी। आनंद विहार टर्मिनल के लिए दूसरी पूजा ट्रेन आज खुल चुकी है। वहीं ट्रेन गरीब रथ के समय पर खुली है, जो इस टाइम पर आगे भी चला करेगी। परिचालन के पहले दिन गुरुवार को इनमें से कई वेटिंग टिकट कंफर्म हो गए हैं। भागलपुर से जम्मू तवी के बीच चलाई जाने वाली अमरनाथ एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। साथ ही ट्रेन के रद्द होने से संबंधित गुरुवार को ईस्टर्न रेलवे और मालदा डिवीजन को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल परीक्षा के रिजल्ट की हुई घोषणा। केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा 2020 के नतीजों की घोषणा कर दी है। जिन भी उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वो अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, परीक्षा परिणाम को डाउनलोड भी किया जा सकता है। केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल द्वारा जारी बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल परीक्षा रिजल्ट 2020 के मुताबिक 12,672 कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से कुल मिलाकर 9,915 कैंडिडेट्स लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। सफल परीक्षार्थियों की पूरी सूची आधिकारिक वेबसाइट पर शेयर कर दी गई है। मुजफ्फरपुर की बेटी भारतीय नौसेना के समुद्री टोही मिशन के लिए हुई तैयार। मुजफ्फरपुर की निवासी लेफ्टिनेंट शिवांगी सहित भारतीय नौसेना की 3 महिला पायलटों का पहला जत्था डॉर्नियर विमान के जरिए समुद्री टोही मिशन के लिए तैयार हो गया है, जिसके तहत बीते दिन रक्षा प्रवक्ता ने अपनी प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा कि इन महिला पायलट को नौसेना के दक्षिण कमान ने डॉर्नियर विमान के माध्यम से कार्य को अंजाम देने का दायित्व सौंपा गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, तीनों महिला पायलट 27वें डॉर्नियर परिचालन उड़ान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से जुड़े 6 पायलटों में शामिल थी, जो बीते दिन INS गुरूर पर आयोजित पासिंग आउट समारोह के बाद संबंधित पाठ्यक्रम में पूर्ण स्नातक हो गए हैं। वहीं मौके पर पायलटों को पुरस्कृत भी किया गया, जो अब तक सभी अभियानों के लिए डॉर्नियर विमान उड़ाने में पूर्ण रूप से निपुण है। कांग्रेस के पटना मुख्यालय में हुई छापेमारी। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पटना में कांग्रेस मुख्यालय में इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की है, जिसके तहत विभाग को एक गाड़ी से 9 लाख रुपए मिले हैं। वहीं बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने बीते दिन यह दावा किया है कि कांग्रेस के पटना स्थित मुख्यालय पर कोई छापेमारी नहीं की गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि कब्जे में लिए गए रुपयों के साथ कांग्रेस कार्यालय जाने वाली सड़क पर किसी को बाहर पकड़ा गया था, साथ ही 3 अन्य व्यक्ति थे, मगर कांग्रेस कार्यालय पर कोई छापा नहीं किया गया है। CBSE बोर्ड के छात्रों के चेहरा दिखाते ही सर्टिफिकेट होंगे डाउनलोड। CBSE ने अपने छात्रों के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की शुरुआत की है। CBSE की यह सुविधा देश विदेश में रहने वाले किसी भी छात्र को आसानी से मिल जाएगी। छात्र किसी भी कोने से यह सुविधा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो छात्र अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आदि भूल जाते हैं, तो चेहरा दिखाकर डिजी लॉकर से प्रमाण पत्र अब आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी मदद से छात्र बिना मोबाइल और आधार नंबर से ही अपना सर्टिफिकेट और मार्कशीट डिजी लॉकर से डाउनलोड करने की सुविधा भी उन्हें दी गई है। डिजी लॉकर में मौजूद डेटाबेस के डिजिटल इमेज से छात्र का चेहरा मैच होने पर कंप्यूटर उसे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की सहूलियत देगा। यानी कि अब 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी अपना चेहरा दिखाकर भी डिजी लॉकर से सर्टिफिकेट और मार्कशीट निकलवा सकते हैं। वेब सीरीज मिर्जापुर 2 का सोशल मीडिया पर दिखा भौकाल। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुए मिर्जापुर 2 सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही लूट रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते दिन इस सीरीज को अमेजॉन प्राइम पर तय समय और तारीख से 3 घंटे पहले इसके ऑनलाइन रिलीज कर दिया गया था, जिसके बाद लोगों के रिएक्शंस का सैलाब देखने को मिला। हालांकि सोशल मीडिया पर मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिले। करण अंशुमन और पुनीत कृष्णा ने इसे निर्देशित किया है और प्रोडक्शन का काम रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर ने किया था। समय से पहले वेब सीरीज को रिलीज करते हुए अमेजॉन प्राइम ने भी अपना ट्वीट जारी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इस ट्वीट को एक इन्वाइट की तरह ट्रीट करें। मिर्जापुर रिलीज किया जा चुका है, इस बार साथ में भौकाल करेंगे। आज मैदान में आमने सामने होंगी चेन्नई और मुंबई की टीम। IPL के 13वें संस्करण में आज मुकाबला मुंबई और चेन्नई के बीच होने वाला है। वहीं आज जहां मुंबई अपना मैच तनाव मुक्त होकर खेलेगी, वहीं चेन्नई पर तनाव काफी ज्यादा है। हालांकि इससे पहले टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच पहले एक मैच हो चुका है। चेन्नई ने उस मैच में मुंबई को हराया था। चेन्नई अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद है, वहीं मुंबई 3रे स्थान पर है। धोनी की कप्तानी में चेन्नई का खेल बेहद ही निराशाजनक रहा है। अब तक चेन्नई 10 में से 3 मैच जीत चुकी है। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई ने 9 में से 6 मैच में जीत दर्ज की है। वहीं प्लेऑफ का समय भी नजदीक आता जा रहा है, ऐसे में ये टीम हर मैच को जीतने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है, जिसके बाद आज का यह मैच चेन्नई के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 77 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार
बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 54,366 मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 77,61,312 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 690 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,17,306 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है, जिस तरह से बीते कुछ दिनों से कोरोना के नए मामले में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, भारत में कुल मिलाकर 69,48,497 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 6,95,509 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम में से किसके जीतने के ज्यादा आसार है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।